नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आर के सागर यूनिक स्टडी। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और एस ब्लॉक एलिमेंट की वीडियो, जिसमें मैं आपको पहले एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका परिचय करा चुका हूँ कि क्या होता है, और जो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो क्षारीय धातुएं हैं उनकी जो आवर्त सारणी में स्थिति है वो क्या स्थिति है, वो सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है एस ब्लॉक एलिमेंट का, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, तो देखिए इसमें जो सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं, पहला ही है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, और इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, जिसमें 10H2O ये जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जल के अणु होते हैं। और इसका एक और नाम है धावन सोडा, उसे साधा नाम कह सकते हैं। तीसरा है इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, और इसका भी एक और नाम है खाने का सोडा भी, इसे भी कह सकते हैं, और सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। और नंबर फोर है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, नमक, जिसे आप भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, पहला इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम इन चारों जो यौगिक हैं महत्वपूर्ण, इनमें से मतलब बारी बारी से एक एक यौगिक को बनाना जानेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने केवल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी जो बनाने की विधियां हैं उनको शामिल किया है, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग क्या होते हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, और इसी को आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो इसमें है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कास्टिक सोडा। तो NaOH के औद्योगिक निर्माण की विधियाँ, तो ये तीन विधियाँ होती है औद्योगिक निर्माण की। पहला ही है इसमें सोडा लाइम विधि, दूसरा है लोविग अथवा फेराइट विधि, और थर्ड है विद्युत अवघटनी विधि। तो दोस्तों, जो तीसरी है यानी विद्युत अवघटनी विधि, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में आती है, तो इसी को मैं आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ, देखते चलेंगे। ये बुक में काफ़ी लंबी दी हुई है, लेकिन मैंने जितना हो सका है इसको बहुत शॉर्ट किया है, और ये भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको भी शामिल किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं, विद्युत अवघटनी विधि क्या है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विद्युत अवघटनी में सांद्र NaCl विलयन का विद्युत अवघटन किया जाता है। सांद्र NaCl विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होती है तथा NaOH का विलयन प्राप्त हो जाता है। तो जो NaCl है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, सोडियम धनायन में, और 2Cl यानी क्लोरीन आयनों में। तो जो धनायन है वो कैथोड पर जाते हैं और जो ऋणायन है वो एनोड पर जाते हैं। आगे देखिए, एनोड पर 2Cl ऋणायन इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 गैस अवस्था में प्लस 2H ऋणायन, सॉरी 2OH ऋणायन, 2Na धनायन प्लस 2OH ऋणायन उत्क्रमणीय 2NaOH। यानी आप ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जो सोडियम आयन होते हैं और जो वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो दोनों मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। यदि हम बात करें अभिक्रिया का पूर्ण संतुलित समीकरण, तो वो इस प्रकार होगा, 2NaCl प्लस 2H2O इक्वल टू H2 प्लस Cl2 प्लस 2NaOH, जहाँ जी हाइड्रोजन की गैस अवस्था को दर्शा रहा है, क्लोरीन भी। तो इस तरह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अब इसे विद्युत अवघटनीय सेलों में कैसे बनाया जाता है वो आप देखेंगे। तो देखिए, विद्युत अवघटनीय सेलों में जलीय NaCl का विद्युत अवघटन करके NaOH प्राप्त किया जाता है।
ये सेल निम्नवत हैं। तो ये जो सेल होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला है नेल्सन सेल, दूसरा है कास्टनर केलनर सेल और तीसरा है साल्वे केलनर सेल। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों ही सेल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन तीनों सेलों में से ही कोई सा सेल एग्ज़ाम में आपके आता है, पूछता है कि नेल्सन सेल या कास्टनर केलनर, कोई से भी इन तीनों सेलों में से पूछता है कि इस सेल के द्वारा NaOH का निर्माण किस प्रकार होगा। तो देखते हैं, आइए जानते हैं तीनों सेलों को डिटेल्स में जान लेते हैं इन तीनों सेलों को। तो देखिए, जो पहला है इसमें नेल्सन सेल, तो देखिए नेल्सन सेल होता क्या है, इसमें इस्पात की एक यू आकार वाली छिद्राकार नली लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इस नली के भीतर एस्बेस्टोस की एक सतह होती है। इस नली को एक इस्पात के बने आयताकार टैंक में लटका देते हैं और इस नली में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या नमक का संतृप्त विलयन भरा होता है। इस विलयन में ग्रेफाइट की छड़ लटका देते हैं जो एनोड का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पे इसका चित्र आएगा, कौन सा चित्र आएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यही है नेल्सन सेल, यही डायग्राम इसमें बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए जानते हैं इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो जो कार्यविधि है वो इस प्रकार है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है, सोडियम जो आयन है वो एस्बेस्टोस के छिद्रों से निकलकर कैथोड पर सोडियम धातु के रूप में मुक्त होते हैं। ये जल वाष्प से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस विलयन का वाष्पन करने पर NaOH प्राप्त हो जाता है। इसे निर्वात वाष्पकों में वाष्पित करके प्राप्त ठंडे विलयन को छानने पर लगभग 50% NaOH विलयन, जिसमें 10% से कम NaCl होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये पहली विधि थी नेल्सन विधि। तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें कौन सा डायग्राम आएगा और नेल्सन विधि होती क्या है और इसकी क्या कार्यविधि है। देखिए तो आपको पढ़कर ही पता लगेगा, ज़्यादा लंबी गहराई में ना जाएं, केवल आपको इसको दो चार बार ऐसे पढ़ लेना है और आपको याद हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने के लिए इतना कुछ खास है नहीं, बस आपको डायग्राम याद रखना है और उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है थोड़ा सा ये याद रखना है। ये नहीं कि आप उसमें रटना है, इसको रटना नहीं है, केवल तीन या चार बार आपको ऐसे ही इसको पढ़ना है, वीडियो को देख लेना है बार बार आगे पीछे करके, जूम करके, जैसे भी आपको आसान लगता हो। तो देखिए जो दूसरी विधि है वो है कास्टनर केलनर सेल विधि। तो ये क्या होती है, देखिए इस विधि को मरकरी कैथोड विधि भी कहते हैं। इससे NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से मरकरी कैथोड पर और सोडियम धातु मुक्त होती है, न कि हाइड्रोजन गैस। तो इसमें डायग्राम कौन सा बनेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें ये डायग्राम बनेगा, कास्टनर केलनर सेल विधि द्वारा NaOH का निर्माण, और इसी विधि को हम पढ़ रहे हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, ये क्या होते हैं। देखिए यह लोहे का एक आयताकार होज या टैंक होता है जो स्लेट के पदों के द्वारा तीन भागों में बटा होता है। सेल के किनारे के दोनों भागों में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या नमक का सांद्र विलयन भरा रहता है और इनमें ग्रेफाइट के एनोड लगे रहते हैं और मरकरी की परत कैथोड का कार्य करती है। मध्य भाग में जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु जलीय विलयन भरा रहता है। आगे देखिए, तो देखिए इसकी कार्यविधि क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किनारों के कक्षों में उपस्थित NaCl का विद्युत अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप क्लोरीन गैस दाएं तथा बाएं दोनों कक्षों में एनोड पर मुक्त होती है जो बाहर निकल जाती है। कैथोड पर सोडियम मरकरी में जो सोडियम मरकरी यानी सोडियम अमलगम है वो बना लेती है। तो इसमें जो NaCl है वो इस प्रकार आयनित होता है। तो देखिए सोडियम धनायन प्लस 2Cl ऋण आयन, ये कैथोड पर जाएंगे, प्लस वाले जो आयन हैं वो जो माइनस वाले हैं यानी ऋण आयन है वो एनोड पर जाएंगे। तो देखिए एनोड पर 2Cl ऋण आयन इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट एनोड पर, कैथोड पर 2Na धनायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी के सोडियम। तो Na प्लस Hg यानी NaHg से क्रिया करके क्या बनाती है, NaHg यानी के मरकरी कैथोड पर, तो इसे कहेंगे हम सोडियम अमलगम। आगे देखिए, मध्य भाग में मरकरी परत एनोड का तथा लोहे की परत कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम का
सोडियम आयन में ऑक्सीकरण होता है जो कैथोड पर बने OH आयनों से संयुक्त होकर NaOH बनाता है। तो देखिए ये है सोडियम अमलगम। तो ये जो सोडियम अमलगम है ये सोडियम और मरकरी में बट जाता है। तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 2H ऋण आयन। तो ये कैथोड पर अभिक्रिया है, ये एनोड अभिक्रिया है। इसके बाद 2Na प्लस 2OH ऋण आयन इक्वल टू 2NaOH। तो देखिए स्टूडेंट, ये नंबर तीसरी विधि है साल्वे केलनर सेल विधि। तो दो सेल की विधि हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरी सेल विधि है। कह रहा है कि आजकल इस विधि का उपयोग अधिक हो रहा है। इसमें ग्रेफाइट या प्लेटिनम की छड़े एनोड का और मरकरी की परत कैथोड का कार्य करती है। एनोड छड़े सांद्र NaCl विलयन में डूबी रहती हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर सोडियम धातु एकत्र हो जाती है जो मरकरी से अभिक्रिया करके सोडियम अमलगम बनाती है। एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो वही सोडियम क्लोराइड जो है वो उसी प्रकार टूटेगा जैसा अभी टूट रहा था, बार बार टूट रहा है। तो सोडियम धनायन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होगी। 2Cl ऋण आयन इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड अभिक्रिया, और 2Na धनायन प्लस 2Hg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2NaHg कैथोड अभिक्रिया। तो आगे देखिए, प्राप्त NaHg को सेल से बाहर निकालकर एक जलयुक्त लोहे के पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। यहाँ लोहे के संपर्क में सोडियम अमलगम तीव्रता से सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा मरकरी में अपघटित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्राप्त विलयन को छानकर उसे मरकरी से पृथक कर लेते हैं, जिसके विलयन की वाष्प से ठोस NaOH प्राप्त हो जाता है। तो जो रिएक्शन इस प्रकार होती है, NaHg प्लस 2H2O यानी सोडियम अमलगम प्लस जल इक्वल टू 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2Hg प्लस H2 यानी मरकरी प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त हो जाता है। अभी जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है वो एकदम शुद्ध नहीं है, तो उसका अभी शोधन करना बाकी है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, साल्वे केलनर सेल विधि का डायग्राम कौन सा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है ये है साल्वे केलनर सेल विधि द्वारा NaOH का निर्माण। तो ये डायग्राम इसमें आपको बनाना है, याद रखना है। आगे देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, कास्टिक सोडे का शोधन। शोधन का मतलब होता है कि जो हमारा कास्टिक सोडा है वो अभी एकदम प्योर नहीं है, हमें प्योर प्राप्त करना है। तो शोधन करके हम प्योर कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि उपयुक्त विधियों से, यानी जो तीनों विधियाँ थी, तीनों जो सेल जो थे इनसे जो हमने NaOH प्राप्त किया वो बिल्कुल शुद्ध नहीं था, है ना। तो उपयुक्त विधियों से प्राप्त किए गए कास्टिक सोडे में NaCl कार्बोनेट तथा सल्फेट जैसी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे अल्कोहल में घोला जाता है और बाद में उसे छान लिया जाता है। छने हुए द्रव को गर्म करके अल्कोहल का वाष्पीकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार परिशुद्ध यानी कि शुद्ध सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारी प्रक्रिया इसमें करनी पड़ती हैं, तब जा कर के हमें कास्टिक सोडा मिलता है। आगे देखिए कास्टिक सोडे के गुण। तो देखिए भौतिक गुण क्या है पहले जान लेते हैं, उसके बाद रासायनिक गुण जानेंगे। तो देखिए, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक लगभग 591 के है। इसका स्वाद खट्टा होता है और यह अल्कोहल तथा जल में विलय है तथा जल में घुलने पर ऊष्मा देता है, जिससे विलयन गर्म हो जाता है और यह त्वचा पर दुखदायी घाव या फफोले बना देता है, इसलिए इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके रासायनिक गुण क्या हैं। देखिए रासायनिक गुण, तो पहला है इसमें पहला वायु से ही अभिक्रिया। तो वायु से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट व जल बनाता है। तो जो रिएक्शन इस प्रकार होगी, 2NaOH प्लस CO2 इक्वल टू Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। सेकंड हेडिंग है ऊष्मा का प्रभाव। तो इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए गर्म करने पर यह 591 के यानी केल्विन पर पिघल जाता है तथा 1573 के तक गर्म करने पर अपने अवयवों में विघटित हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार विघटित होगा, 2NaOH इक्वल टू 1573 के और इक्वल टू के बाद बनता है, इसमें क्या क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जो उसके अवयव हैं
उनमें ही ये विभक्त हो जाता है। तो इनसे मिलके बना है, इनमें ही बाद में विभक्त हो जाता है जब इसको हम 1573 के ताप पर गर्म करते हैं। आगे देखिए, तो तीसरी जो रिएक्शन है वो है एल्यूमिनियम जिंक व टिन लवणों के साथ अभिक्रिया। यानी कि जो एल्यूमिनियम के लवण है, जिंक के लवण है और टिन के लवण है, इनके साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इसमें क्या किया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जो रिएक्शंस हैं केवल रिएक्शंस को मैंने इसमें ऐसे ही दर्शा दिया है, जो उसकी हिंदी होती है उससे मैंने नहीं इसमें शामिल किया है। वैसे भी जो आपको नंबर मिलते हैं वो इसी के मिलते हैं और आप रिएक्शन से ही उसकी हिंदी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट है और जो नाम है उसके नीचे मैंने उसका नाम लिख दिया है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप ये लिख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो यानी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा सोडियम सल्फेट बनाता है। अब इसके बाद में क्या करता है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यदि हम उसकी क्रिया दोबारा से अन्य वस्तु से कराते हैं तो वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देता है। अब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को दोबारा हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये संकर लवण देता है। तो इस प्रकार से पहले आप ये हिंदी लिख सकते हैं, उसके बाद तीनों रिएक्शन एक साथ दिखा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, पहले आप इसकी किसकी हिंदी लिख दें उसके बाद रिएक्शन दिखा दें, फिर उसके बाद इसकी हिंदी लिख दें, इसकी रिएक्शन दिखा दें और फिर इसके बाद इसकी हिंदी लिख के ये रिएक्शन दिखा दें। या आपकी इच्छा है कि आप हिंदी ना भी लिखें, आपकी इच्छा है कि ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्योंकि मैन जो होता है हमारा, वो रिएक्शंस होती हैं इसमें, वो तो थोड़ा सा हिंदी हम समझाने के लिख देते हैं, बाकी आप समझदार हैं, खुद इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे सेकंड पार्ट में जिंक सल्फेट से अभिक्रिया, क्योंकि जिंक के लवणों से दिखानी है। अभी हमने एल्यूमिनियम के लवणों से दिखाई है, अब किसके से, जिंक के लवणों से। तो जिंक का लवण जो है वो होता है जिंक सल्फेट भी होता है, जिंक क्लोराइड भी होता है, मैंने केवल जिंक सल्फेट से अभिक्रिया इसकी दिखाई है। तो जिंक सल्फेट प्लस टू NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। और दोबारा जब हम जिंक हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अन्य वस्तु से कराते हैं तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट और जल। आगे देखिए स्टूडेंट, तो थर्ड है टीन के साथ में, टीन के लवणों के साथ। तो देखिए टीन के साथ में क्या अभिक्रिया दिखाता है, Na2SnO2 यानी कि सोडियम स्टेनाइट बनाता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। इसमें क्या करता है, लेड के साथ अभिक्रिया करके, ये लेड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम प्लम्बाइड बनाता है और हाइड्रोजन विकसित करता है। आप एक काम करना स्टूडेंट, इस हेडिंग में ये कर लेना कि एल्यूमिनियम और जिंक के साथ अभिक्रिया, टिन मत करना, जिंक के लवणों के साथ अभिक्रिया, टिन का लवण यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर नंबर तीन है, यहाँ पर आता नंबर चार डाल लीजिए, उसमें लिखना फिर टिन और लेड के साथ अभिक्रिया। तो ये टीन का लवण नहीं है, केवल टीन है ऐसे ही। तो टीन के साथ जब NaOH की क्रिया कराते हैं तब सोडियम स्टेनाइट बनता है, हाइड्रोजन विकसित होती है। उसी प्रकार से जब लेड की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम प्लम्बाइड बनता है और हाइड्रोजन विकसित होती है या विस्थापित होती है। तो नेक्स्ट नंबर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर किस रिएक्शन करानी है, अमोनियम तथा फास्फोनियम लवणों से अभिक्रिया। तो जब अमोनियम तथा फास्फोनियम लवणों से अभिक्रिया करता है कास्टिक सोडा, तो अमोनिया तथा फास्फीन गैस निकलती है, या अमोनिया तथा फास्फीन गैस। आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट ये अमोनियम का क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे नुसादर भी कहते हैं। जब हम इससे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो NH4Cl प्लस NaOH का यानी कास्टिक सोडा, तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल और अमोनिया गैस बनती हैं। आगे देखिए फास्फोनियम आयोडाइड की जब क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम आयोडाइड जल तथा फास्फीन गैस बनते हैं। तो नेक्स्ट नंबर देखिए धात्विक हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, धात्विक का मतलब यानी कि जो धातु के जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है उनसे अभिक्रिया। तो इसमें देखिए पहला है FeCl3 से, तो FeCl3 प्लस 3NaOH, तो क्या बनता है FeOH का होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस 3NaCl। नेक्स्ट देखिए CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस 2NaOH इक्वल टू CuOH का होल 2H यानी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। थर्ड है इसमें फेरा सल्फेट प्लस 2NaOH, तो इसके साथ अभिक्रिया करके बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट। आगे देखिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट नंबर है इसमें धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण। तो जो मरकरी है
और सिल्वर या चांदी है जैसी धातुओं के हाइड्रोक्साइड ये अस्थायी होते हैं और उनके लवणों के विलयन में NaOH मिलाने पर उनके ऑक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। तो देखिए HgCl2+2NaOH इसका जो नाम है वो है मर्क्यूरी क्लोराइड इक्वल टू HgO, जो HgO है उसका ये पीला अवक्षेप देता है प्लस 2NaCl। आगे देखिए 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस 2NaOH यानी कि Ag2O, जो Ag2O होती है यानी सिल्वर ऑक्साइड, इसका ये काला भूरा अवक्षेप देता है प्लस 2NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट प्लस जल, ये बनाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके। आगे देखिए नंबर 7 फास्फोरस तथा सल्फर से अभिक्रिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी जितनी मैंने इसमें शामिल की हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या होता है जब कि पीला फास्फोरस NaOH और जल से अभिक्रिया करते हैं, ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे क्या होता है जब में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए जब पीले फास्फोरस की हम सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है और फॉस्फिन गैस निकलती है। आगे देखिए सल्फर से क्या रिएक्शन होती है, 4S+6NaOH गर्म करने पर, तो ये क्या बनाता है सोडियम थायोसल्फेट बनाता है, उसके साथ ही सोडियम सल्फाइड बनाता है और जल भी अवशेष में मिलता है या निकालता है। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट नंबर है वो हैलोजनों से अभिक्रिया, तो इसमें दो प्रकार से होगी, पहले ठंडे व तनु हैलोजन से, सॉरी ठंडे व तनु NaOH की हैलोजन से अभिक्रिया। तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मैं केवल हैलोजनों में, आप जानते होंगे कि जो हैलोजन होते हैं उनमें 4 परमाणु होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैंने केवल हैलोजनों में से क्लोरीन को लिया है, क्लोरीन की रिएक्शन ही मैं दिखा रहा हूँ। तो क्लोरीन के अनुसार ही ब्रोमीन और जो आयोडीन है उसकी रिएक्शन भी ऐसे ही होगी, बस जहाँ क्लोरीन है वहाँ पर आयोडीन हो जाएगा, आप ये याद रखेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे दिखाता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की है ना ठंडे व तनु, जो ठंडा व तनु NaOH है उसकी हैलोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी कि NaOCl प्लस जल। तो ये कब बनता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे, कैसा, ठंडा और तनु। आगे देखिए ये दो प्रकार से रिएक्शन करता है, जब ठंडा तनु लेंगे और अब की बात गर्म व सांद्र लेंगे। तो देखिए गर्म व सांद्र NaOH विलयन से हैलोजन की क्रिया, तो क्या बनाता है, देखिए 6NaOH+3Cl2=NaClO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाता है साथ में सोडियम क्लोराइड और जल। तो मैंने लिख भी दिया है कि इसी प्रकार ब्रोमीन व आयोडीन से भी अभिक्रिया होती है। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर 9 कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब यह अभिक्रिया करता है तो सोडियम फार्मेट बनाता है यानी कि NaOH+CO कार्बन मोनोऑक्साइड =433 के ताक पर यह क्रिया होती है केल्विन पर और बनता है HCOONa यानी कि सोडियम फार्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए रासायनिक गुण कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया, तो इसमें जो पहला है वो है क्लोरोफॉर्म से, तो जब क्लोरोफॉर्म से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम फार्मेट तथा सोडियम क्लोराइड। अगला देखिए जब फार्मल्डिहाइड से बिक्रिया कराते हैं NaOH की तो बनाता है मैथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट। नेक्स्ट देखिए जब एसीटेमाइड से रिएक्शन कराते हैं NaOH की तो ये बनाता है सोडियम एसीटेट और अमोनिया गैस। आगे देखिए NaOH के उपयोग, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है, तो उसमें पहला ही है एल्यूमिनियम तथा सोडियम के निष्कर्षण में, दूसरा उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तीसरा है बॉक्साइट के शोधन में और नंबर 4 है साबुन कागज़ आदि के निर्माण में। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से बताइए ज़रूर कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।